बैटरी कनेक्टर कैसे चेक करते हैं बताओ, वी बैट की सप्लाई कैसे चेक करते हैं, कौन सी टेस्टिंग करते हैं? कौन सी? कूल टेस्टिंग। उसमें क्या आना चाहिए, क्या रीडिंग आनी चाहिए? ये वाले एक मल्टीमीटर लेके आओ, ये आपके सामने एक मैंने पीसीबी रखी हुई है, इसमें बताइए, इसमें बैटरी कनेक्टर में कौन सा बी बैट है, कौन सा बी एस आई है, कौन सा ग्राउंड है, कैसे पता करेंगे? मल्टीमीटर को किस मोड पे रखा है आपने? 20 वोल्ट पे नहीं रखते उसको, डायोड रेंज पे, कंटिन्यूटी रेंज बोलते हैं जिसको। चलिए अब उसको कूल टेस्टिंग में क्या करते हैं, ग्राउंड को कहाँ, ग्राउंड पे किस पे लगाते हैं? रेड वाली। अब पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं, नेगेटिव को कहाँ लगाओगे आप? यहाँ लगाओगे। चलिए कितना रीडिंग आना चाहिए बी बैट पर? 250 से 500। बिल्कुल 250 से 600 के बीच में आनी चाहिए। तो ये क्या है आपका बी बैट की सप्लाई प्लस बीच वाला लगा, बीच वाले में कितनी आ रही है 600 के ऊपर, मतलब ये है बी एस आई की सप्लाई। तीसरे वाले लगाइए, तीसरे वाले में क्या आ रहा है बीप, मतलब ये क्या है ग्राउंड, मतलब मेरा बैटरी कनेक्टर की सारी सप्लाइयां सही है। अगर कोई भी फॉल्ट आता है बैटरी से जुड़ा हुआ, जैसे बैटरी अलर्ट है, बीएसआई का फॉल्ट है, प्रोफेशनल एप्स तैयार किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लें। ये बेसिकली है हाउ टू चेक कंपोनेंट बाय डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पर इसकी लिंक मैंने इस वेबसाइट के अपने इस वीडियो के नीचे दे रखी है, तो आप यहाँ जाके बकायदा इसको क्लिक कर लें और इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। जैसे डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे चेक किया जाते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, डीसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। रजिस्टर कैसे चेक करते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि रजिस्टर कैसे चेक होते हैं, और कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, और क्योंकि ये अभी बहुत हर डेली अपडेट करता हूं और हर